हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट डॉट पी के। आई एम आयशा सदीका और आज की स्टोरी है फिर से कि इंडिया के अंदर बढ़ते हुए मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसकी एक और इंतहा इंडियन गवर्नमेंट ने पार कर लिया। सो ये कोई ऐसे क्लैशेस नहीं है जो कि अवाम आपस में लड़ रही है कि हिंदू और मुसलमान आपस में तसादम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ड्यू टू पर्सनल क्लैशेस। ये अब क्लैशेस हो रहे हैं गवर्नमेंट के मुसलमानों के साथ। और क्यों, पहले हमने देखा कुछ दिनों पहले बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है उनके काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के उनके MNAs उनके MPAs ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी, ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स दी, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब उसी को फॉलो करते हुए, बिकॉज उसकी उन सेंटिमेंट्स, मुसलमान तो इंडिया में भी रहते हैं, देर आर लाखों मिलियंस की तादाद में इंडिया में मुस्लिम सिटीजन्स पाए जाते हैं, ऑब्वियसली उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे और उन्होंने फिर सड़कों पर निकल के एहतजाज किया था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे बदला लेने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, तो हुआ कुछ ये कि इंडिया के अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के घर को गिराना शुरू कर दिया। सो काफ़ी ज़्यादा, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश एक इस तरह का वहाँ की स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान घर गिराए गए हैं। सो इन्हीं घरों में आफरीन फातिमा, हु इज़ यंग मुस्लिम एक्टिविस्ट इन इंडिया, उनको भी टारगेट किया गया और उनके भी घर को गिराया गया। तो ये देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। Paying our house tax for around 20 years and not once have we received any intimation by any development authorities of Allahabad that our house is illegal. So आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, और ये वो घर हैं जिनको नोटिस भी नहीं दिया गया, अगर बिकॉज गवर्नमेंट का तो अपेरेंटली ये कहना है कि ये घर इलीगली बनाए गए हैं। सो 20 साल से 30 साल से यहाँ पे ये घर मौजूद थे, उनको एक भी नोटिस नहीं भेजा गया कि आपका घर इलीगल है, आप अपनी चीज़ें निकाल लें, और उसके बाद ताकि उनको एक मौका दिया जाए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और वो अब इन एक्टिविस्ट का, इन मुसलमानों का ये कहना है कि वो अपने टैक्स जितने भी उनके ऊपर एप्लीकेबल थे पे करते रहे, दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। सो दिस इज पर्सनल ग्रज जो कि गवर्नमेंट शो कर रही है टुवर्ड्स मुस्लिम। अब अगेन जब इस तरह की हरकत की गवर्नमेंट ने, तो फिर से मुसलमान बाहर निकले, उन्होंने फिर से एहतजाज किया और पुलिस ने उनको मार पीट के काफ़ी ज़्यादा, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर इंजर्ड, 3 किल्ड भी हुए और इसके साथ साथ 300 से ज़्यादा मुसलमान प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया, जो कि अभी तक जेल में है और कोई पता नहीं है कि उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, किस तरह से होगी। बिकॉज इसके साथ ही साथ एक और खबर है जो कि हम आप तक पहुंचाते चले, वो ये कि कश्मीर के अंदर इसी रीसेंट वीक के अंदर फिर से 3 कश्मीरियों को इंडियन फोर्सेस ने फायर करके मार दिया। सो प्रोटेस्ट होते हैं, दे आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो कि ऑब्वियसली अपना राइटफुल क्लेम्स मांग रहे हैं, बट इंडियन ब्रुटैलिटी इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो नहीं देखते कुछ भी, दे डोंट सी ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत को साइड पे करके फायर सीधा ओपन कर देते हैं। सो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली अगेन दिस इज समथिंग जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं इंडिया के लिए। दे ऑलरेडी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अरेबियन वर्ल्ड है, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया हुआ है, सो इकोनॉमिकली इंडिया को नुकसान हो रहा है, बट आफ्टर दिस इट इज़ गोइंग टू एलोंगेट, इसके बाद फिर मज़ीद उनको नुकसान पहुँचने वाला है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के ख़राब हो सकते हैं दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, अगर उसने अपने ये जो मसालम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर वो ख़त्म नहीं किए, बिकॉज ग्लोबली अटेंशन गेन कर रहा है ये सिचुएशन। लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ख़ासतौर पर 2022 इंडिया के लिए, इंडिया में मौजूद मुसलमानों के लिए, कश्मीर में मौजूद मुसलमानों के लिए अभी तक बहुत बुरा साबित हो रहा है, क्योंकि इंडिया खुल के सामने आ चुके हैं, वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, वो खुल के सामने आई हुई, और वो अपने मसालम, अपनी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है वहाँ पर मौजूद मुसलमानों को।